अगर अभी चुनाव हो तो दक्षिण भारत में बह सकती है किसकी लहर? आईबीएन 7 के लिए सीएसडीएस का चुनावी सर्वे बताएगा कौन जीत सकता है तमिलनाडु और आंध्र में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद आज तमिलनाडु और आंध्र का चुनावी चक्र। 17 से 23 फरवरी तक 1029 लोगों से पूछे गए सवाल। तमिलनाडु की 39 सीटों में जयललिता की एडीएमके और लेफ्ट गठबंधन जीत सकता है 14 से 20 तक सीटें। इसी साल जनवरी में हमारे सर्वे में मिले थे 30% वोट, अब भी गठबंधन की लोकप्रियता बरकरार। वहीं करुणानिधि की लोकप्रियता में पिछले एक महीने में 8% का इजाफा, लेकिन झोली में गिर सकती हैं सिर्फ 10 से 16 सीटें। कांग्रेस को करना पड़ सकता है 0 से 4 सीटों पर ही संतोष, और अन्य हासिल कर सकते हैं 5 से 9 सीटें। राज्य के 52% लोग संतुष्ट हैं मुख्यमंत्री जयललिता के कामकाज से, तो 28% चाहते हैं पीएम उम्मीदवार बने जयललिता। पीएम पद के लिए 21% की पसंद है राहुल गांधी, तो सिर्फ 16% ने ही लिया नरेंद्र मोदी का नाम। आप देख रहे हैं खास चुनावी सर्वे, अगर अभी चुनाव हो तो। नमस्कार, मैं हूं विनोद दुआ। और मैं संजय पुगलिया। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, अगर अभी चुनाव हो तो। आज हम आपको दिखा रहे हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोगों की राय। तमिलनाडु के सर्वे से साफ है कि शहरों में करुणानिधि और जयललिता के बीच कांटे की टक्कर है, वहां पीएम की पसंद के तौर पर राहुल गांधी का ग्राफ भी बड़ा है। और अब हम बात करेंगे उस राज्य की जहां से होकर कांग्रेस हर बार दरवाजे सत्ता की तरफ जब बढ़ी है तो आंध्र प्रदेश के जरिए बढ़ी है। उसी आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के विभाजन का एक बड़ा जुआ कांग्रेस ने खेला। वो जीतेगी या हारेगी, यही सबसे बड़ा सवाल। लेकिन उससे पहले एक बार फिर हम आपको बता दें, कल हमने आपको महाराष्ट्र और दिल्ली का सर्वे दिखाया था, आज हम आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का हाल दिखा रहे हैं। कल यानी बुधवार को बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता की राय जानेंगे, और गुरुवार को दिखाएंगे कि आखिर केंद्र में किसकी सरकार बनने की संभावना है। चुनावी सर्वे पर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन हम आपको ये विनम्रता और विश्वास के साथ बताना चाहते हैं कि आईबीएन 7 के लिए ये सर्वे सीएसडीएस करता है, जो देश का सबसे विश्वसनीय शोध संस्थान है। ये सर्वे देश के 6 राज्यों में किया गया है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। ये स्विंग स्टेट हैं जहां हमको लगता है कि इस वक्त फोकस करने की जरूरत है। ये सर्वे 17 से 23 फरवरी के बीच किए गए हैं। सर्वे के दौरान 138 लोकसभा सीटों के 512 पोलिंग स्टेशनों पर कुल 9104 वोटरों की राय ली गई। जनता की इस राय शुमारी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। सीएसडीएस के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार टीआर रामाचंद्रन और परंजय गुहा ठाकुरता हैं, और राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं सर्वे, आंध्र प्रदेश की शुरुआत हम करते हैं। संयुक्त आंध्र प्रदेश 42 सीटों के साथ देश में सबसे बड़ा सांसदों वाला तीसरा राज्य था। परंपरा का तौर पर इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन बंटवारे के बाद यहां राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गया। आंध्र के रास्ते सन 2009 में सत्ता तक पहुंची कांग्रेस के लिए अब वक्त अग्नि परीक्षा का है। वहीं इस चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी और टीआरएस का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर है। अब हम आते हैं सर्वे पर। हमने आंध्र प्रदेश के लोगों से जानना चाहा कि राज्य के बंटवारे पर क्या सोचते हैं। तेलंगाना के 96% लोगों ने इस फैसले को सही बताया, जबकि महज 1% लोग इसे गलत माने। वहीं सीमांध्र में सिर्फ 6% लोगों ने आंध्र के बंटवारे को सही बताया, जबकि 77% लोग इस फैसले के खिलाफ थे। सर्वे में लोगों से जब ये पूछा गया कि वो बंटवारे पर कांग्रेस के रवैये को कैसे आंकते हैं, तो तेलंगाना के 46% लोगों ने कांग्रेस के रुख को सही बताया, जबकि 17% लोग कांग्रेस के रुख को गलत मानते हैं। 37% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। वहीं सीमांध्र के महज 2% लोगों ने कांग्रेस के रवैये को सही ठहराया, जबकि 63% लोगों ने इसे गलत बताया और 35% लोगों ने कोई राय नहीं। संजय, ये जो आप देख रहे हैं कि मतलब वैसे तो यूं कांग्रेस
आंध्र प्रदेश से पिछले साल जीत कराई थी, इस दफे बहुत ही अनसर्टन है ये जानते हुए कि टीआरएस ने मना कर दिया है कांग्रेस में मिलने से और जो सीमांध्र के लोग हैं वो वैसे ही नाराज हैं। बिल्कुल, मर्जर का वादा करके वादा तोड़ा क्योंकि उनको लगता है कि हम अकेले ज्यादा बेहतर परिस्थिति में हैं। हालांकि कांग्रेस की मौजूदगी और पॉपुलैरिटी तेलंगाना में है, मेरी नजर में तो तेलंगाना यानी कि कांग्रेस के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना ये है और इसी पर मैं चाहूंगा कि रामचंद्रन साहब रिएक्ट करें। मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि उनकी राजनीति मजबूरी थी इसीलिए उन्होंने तेलंगाना का बंटवारा कराया। उनको अदरवाइज ऐसे लगा कि अगर ये बंटवारा नहीं करते, जो उनके पास पिछली बार 33 सीटें थी 42 में से, उसमें से एक बार बिल्कुल सफाया हो जाएंगे, उनको एक भी सीट नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के वजह से उन्होंने ये बंटवारा ऐलान किया, आखिरकार ये बंटवारा लेके गए। पर देखिए, आपने अगर पहली बार जब 2004 में कहा कि हम तेलंगाना का बंटवारा करेंगे और वो एक राज्य अलग से बनाएंगे आंध्र प्रदेश से, तो आपको 9.5 साल लग गए उस पर टिप्पणी करते करते, अभी जाके वो पास हुआ एक हफ्ता पहले या एक दिन या आखिरी दिन जब 15वां लोकसभा पे पर्दा गिरा गया। निर्जा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर हम तेलंगाना का जो क्रिएशन हुआ है उसको सिर्फ इस चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में ना देखें, इस हिसाब से देखें कि बहुत पुरानी मांग थी और कांग्रेस का चुनावी वादा था, सिर्फ टाइमिंग उनकी ऐसी रही है कि इलेक्शंस ठीक पहले हुआ है, क्या वो इससे पहले भी कर सकते थे, इससे आनापन होता? देखिए, 2009 में तो अनाउंस कर ही दिया था रात के 12 बजे चिदंबरम साहब ने, और फिर कहीं ना कहीं उसके बाद पीछे हट गए, डर गए, तरह तरह के उसके तर्क दिए गए कि नक्सलवादी कब्जा कर लेंगे। फिर कमीशन का गठन हुआ, कमीशन की 6 रिकमेंडेशंस थी, उनमें से किसी भी रिकमेंडेशन पे सरकार अपना मन नहीं बना पाई और खिसकता रहा, ढीले धीरे धीरे ड्रिफ्ट रहता रहा। जब सडनली जैसे कि अचानक नींद से आदमी उठता है कि भाई अब तो चुनाव आ गए, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का सफाया हो जाएगा। अगर आप देखिए, जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, अगर आप जाइए उस एरिया में, तो आज बच्चा बच्चा गांव के लेवल तक ये जो आइडिया था उसके मन में घर कर गया है। तो ये तो देना ही था आपको, मैं मानती हूँ, और वाजिब था, लेकिन जिस तरह से दिया गया है पॉलिटिकली क्या फायदा होने वाला है? अगर आप यूनाइटेड आंध्रा में कांग्रेस लड़ती, 8 से 9-10 सीटें तो जीत ही जाती खराब से खराब हालत में। आज अगर टीआरएस के साथ गठबंधन नहीं होता है, विलय तो छोड़ दीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा आधी आधी करेंगी। हालांकि सर्वे बता रहा है कि टीआरएस ज्यादा अच्छा करेगा। तो 8 सीटें अगर आपके हाथ में आ जाएंगी तो ये सब कैसे किया, क्या किया, आपने समझ में नहीं आ रही। इसके लिए एक मुहावरा है थोड़ा सा चलता हुआ सा, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़ा बारे आना। परंजयदा, आपसे प्रश्न यह है कि शुरू में सीमांध्र में जितना गुस्सा था, जनवरी के जो आंकड़े हमारे, फरवरी में ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस के प्रति नाराजगी सीमांध्र में कम हुई है, भले ही तेलंगाना में अलायंस ना, मर्जर ना हो, अलायंस में भी चुनाव लड़े तो कांग्रेस ठीक ठाक वोट वहां लेके आ रही है, तो कांग्रेस को एकदम से राइट ऑफ करना भी शायद सही नहीं होगा। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, आपने अभी अभी कहा आज कि कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड था आंध्र प्रदेश, आप भूलिए मत 77 साल में जब इंदिरा गांधी हर गए थे आपातकालीन उस समय के बाद, इमरजेंसी के बाद, उसी समय से आंध्र प्रदेश हर समय कांग्रेस का चुनाव एक चुनाव में खराब हुई थी, वो कब? 99 साल में। देखिए, 96 साल में कांग्रेस को 22 मिला, फिर 98 साल में भी 22 मिला, मगर 99 में आपको याद है जिस समय चंद्रबाबू नायडू स्विच साइड एक के बाद एक रातारात यूनाइटेड फ्रंट छोड़ के एनडीए चले गए, उस बार कांग्रेस को सिर्फ 5 मिला था 42 में। फिर जब 2004 आया, वाईएसआर का समय आया, पहले 29 फिर 33, मगर आज पूरा जो स्थिति है आंध्र प्रदेश में एकदम बदल गए हैं, और मैं नहीं समझता हूं कि टीडीपी को आगे बढ़ने का भी संभावना है। मेरा एक वरिष्ठ एक राजनीतिक विश्लेषक है, मैं बोल देता हूं उनका आंकड़ा क्या है। देखिए, तेलंगाना में 17 लोकसभा आसन है, इसमें उनका कहना अभी है आधा कांग्रेस आधा टीआरएस, वो अंडरस्टैंडिंग हो या ना हो,
एक हाफ हाफ उनका कहना सीधे है। लड़ेंगे तो भी ये लोग हाँ। आपस में मगर सात सात है तो 14 तो तीन क्या बाकी रह गया, एक MIM जी हैदराबाद, एक शायद बीजेपी को सिकंदराबाद में, एक मलकानगिरी में शायद TDP। मगर आप सीमांध्र के बाद जब करेंगे वहां तो 25 MP है, वहां पे लोग कह रहे हैं कि जगन रेड्डी YSR कांग्रेस को 17 MP तो आराम से, 15 डोमिनेंट पोजीशन में है और बाकी जो जो बाकी रह जाएगा 8-10 वो शायद कांग्रेस को एक दो मिल सकते। ये एक सर्वे है आपके किसी विश्लेषक का जी। यहां पर एक सवाल किया आपसे वो ये कि किरण कुमार रेड्डी नाराज हुए, अलग हुए, विधानसभा के चुनाव साथ होने हैं, एक शक यह है कि ये मिलीजुली कुश्ती है कांग्रेस की और किरण रेड्डी की, दूसरा है कि नहीं किरण रेड्डी समझ गए हैं कि कांग्रेस के साथ तो अब भविष्य है नहीं तो एक अलग पार्टी बना के लड़ेंगे, ये फैक्टर हमको क्लियर नहीं है ये समझाइए। और संजय एक चीज कहना चाहता हूं, ये किरण रेड्डी को कौन समर्थन दिया, सोनिया जी, चिदम्बरम जी, जब रोजाया को निकाल के किरण रेड्डी को, तो वही ही बिकेम रेबेल, बागी बन गए। तो अभी चुनाव की बिसात पे किरण रेड्डी कहां है, लोकस स्टैंडाई क्या है उनकी? किरण कुमार रेड्डी को जो करना था उन्होंने किया, उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था, नहीं तो वो पॉलिटिकल ऑब्लियन में तभी पहुंच जाते क्योंकि कांग्रेस हाईकमांड उनको निकाल के बाहर फेंक देती। जैसे आपने कहा ये कांग्रेस की मिली भगत है, मेरे ख्याल में कांग्रेस ने अभी तक किसी एक अपने मुख्यमंत्री को बागी बनने के बाद इतना लॉन्ग रोप दिया होगा, मैंने तो पिछले 40 साल में नहीं देखा कि कांग्रेस बिल्कुल उसके खिलाफ बयान आते हैं, जलील किया जाता है। नीरजा जी आप क्या मानती हैं कि किरण रेड्डी वाला फिक्सिंग है या ये वास्तविक बगावत है? देखिए मैं मानती हूँ कि उनके पास कोई चारा नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था, बिल्कुल ही खत्म हो जाते, एंड ऑफ द रोड था, तो उनको तो ये करना ही था। अब कांग्रेस होप कर रही है कि किरण रेड्डी के थ्रू हम सीमांध्रा में कुछ थोड़ी बहुत जमीन बचा ले जाएं, कर पाएंगे कि नहीं वो कहने लायक। हालांकि आपके सर्वे दिखा रहे, मैं मानती थी कि किरण रेड्डी का लास्ट मिनट में ये डिसीजन लेना, लोग उसका उसको सहानुभूति नहीं देंगे, लेकिन सर्वे दिखा रहा है कि 35% फिर भी सीमांध्रा में उनको। आइए कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि आंध्र प्रदेश में बंटवारे का श्रेय किसको जा रहा है, लड़ाई तो अभी सीखी होगी। इस सवाल पर तेलंगाना के 30% लोगों की राय थी किसका श्रेय TRS नेता चंद्रशेखर राव को जाता है, वहीं 28% लोग ये मानते हैं कि केंद्र सरकार इसके लिए जवाबदेह है, जबकि 13% लोगों की राय है कि जो केंद्रीय कांग्रेसी नेता हैं उन्होंने बंटवारे में अहम भूमिका निभाई है। सर्वे में जब हमने सीमांध्र के लोगों से ये जाना कि बंटवारे का दोष किसके सिर पे है तो 37% लोगों ने कहा कि इसके लिए कांग्रेस के जो केंद्रीय नेता हैं वो जिम्मेदार हैं, वहीं 20% लोगों ने माना कि TRS नेता चंद्रशेखर राव की वजह से ये बंटवारा हुआ है, जबकि 18% लोगों ने बंटवारे का दोष केंद्र सरकार के सिर पर मढ़ा है। जी मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ जो मैंने पहले भी पूछा था, TR मैं आपसे जानना चाहता हूँ और परोजय आपसे भी, संक्षेप में उसका जवाब चाहूँ। जो सवाल मैंने नीरजा जी से उठाया था कि ये जो बंटवारा हुआ है ये सिर्फ इस पीढ़ी के लिए नहीं हुआ है, इस जनरेशन के लिए नहीं हुआ है, ये पिछले 60 साल से उससे भी ज्यादा मांग चलती आ रही है और ये बंटवारा हो गया है तब तक रहेगा जब तक दोबारा कोई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ना हो। इस पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो क्या एक बहुत पुरानी मांग को सेटल करना नहीं माना जाएगा, सिर्फ इलेक्शन की निगाह से ना देखें तो? नहीं, सिर्फ इलेक्शन की निगाह से ही देखना पड़ेगा दुआ साहब। आपने देख लिया है कि अगर 2004 में आप वायदा करते हो तो आप 2 साल में, 3 साल में, 5 साल तक भी कंप्लीट कर ले तो इतना तो एक माहौल नहीं क्रिएट होता जिसमें कि पार्लियामेंट उन्होंने 4 सेशन तक चलने ही नहीं दी। आखिरकार इसकी एक, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, इसकी एक राजनीतिक मजबूती थी क्योंकि कांग्रेस को आखिरकार समझ आ गई अगर वो तेलंगाना नहीं बनाते तो उनको 42 सीटों में 0 सीट आते, बिल्कुल वो सफाया हो जाते। तेलंगाना उन्होंने इसलिए बनाए ताकि उनको लगा कि जो 17 लोकसभा की सीट हो उसमें से कुछ हमको 5-6 तो मिल ही जाएंगे। अब श्रेय दोनों तरफ जाती है, श्रेय तो कृष्ण रेड्डी को भी जाता है और कांग्रेस को भी आती है। किरण रेड्डी, अब किरण रेड्डी साहब बाहर हो गए, अपनी पार्टी फ्लोट करेंगे, बट किरण रेड्डी साहब को इतना सपोर्ट या पॉपुलैरिटी सीमांध्रा में नहीं मिलेगा, ये आप मान के चलिए। वो बड़े स्मॉल वेट है, वो कोई हैवी वेट नहीं है वहां पर। मेरे हिसाब से सीमांध्रा में अगर आप देखेंगे तो YSR रेड्डी को स्वीप करना चाहिए और आपके सर्वे से अभी आगे आएंगे उस पर भी आएंगे, हम आगे बढ़ते हैं। एक आधा मिनट समय है,
बस आधा मिनट। वाईएसआर जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे 2009 का जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, जब सीमांध्रा में चुनाव खत्म हो गए थे, वो तेलंगाना जाके ये सवाल पूछा कि हकी हमें हैदराबाद आने के लिए हमें वीजा जरूरत पड़ेगा, भूलिए मत। उस समय भी वो लोकप्रियता बहुत थी वाईएसआर का, वो भी एक अनिश्चित था। साफ बात है कि जैसे झारखंड के लोग या जो उत्तराखंड के लोग या छत्तीसगढ़ लोग जो जो राज्य का बांटने के विरोध ही इतना इतने इट वॉज नॉट सो इंटेंस, नॉट सो इमोशनल, शायद आप हिंदी में अच्छी तरह से नहीं, आप सही कह रहे हैं। भूमि को लेकर बहुत ज्यादा जज्बात ही हो जाते हैं हम जमीन को लेकर, और भगवान कृष्ण ने तो पूरा जोर लगा लिया, दुर्योधन बोले कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। आगे बढ़ते हैं, आंध्र सरकार के कामकाज से तेलंगाना के 40% लोग संतुष्ट नजर आते हैं जबकि 44% लोग नाखुश। वहीं सीमांत के 32% लोग सरकार के कामकाज से संतुष्ट थे जबकि 56% लोग नाखुश थे। केंद्र सरकार के काम से तेलंगाना के 40% लोग संतुष्ट हैं और करीब इतने ही लोग नाखुश। वहीं सीमांध्र में नाखुश लोगों की तादाद 56% है जबकि 31% लोग ही केंद्र के काम से खुश नजर आते हैं। अगर अभी चुनाव हो तो ये है हमारा विषय और इसी पर हम ये विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय बिल्कुल, इसमें एक प्रश्न मेरा ये है नीरजा जी से, वो ये कि तेलंगाना बनाने की बड़ी अच्छी इच्छा थी इसलिए बनाया, या जगन रेड्डी के दावे को नहीं मानना था, जगन रेड्डी की बगावत हुई, दुर्दशा हो गई, तो इतना आदर्श विचार आया कि हम तेलंगाना को उनका हक दे दें, 40 साल पुरानी मांग है, कारण क्या था? अगर सही मायने में कहा जाए तो मुझे लगता है जगन रेड्डी फैक्टर बहुत बड़ा कारण था और टाइमिंग भी उसी की वजह से था, और तब तक ये लोग डिले करते रहे, टालते रहे, कभी प्रणब मुखर्जी की कमेटी, कभी कुछ, हालांकि बात करते रहे। तो जगन रेड्डी का भी उठना इस तरह से, वो भी एक मिसहैंडलिंग थी कांग्रेस द्वारा, उसको हैंडल ठीक से किया जाता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। आज क्या हो रहा है, उनके साथ एक सहानुभूति का फैक्टर है और नए संदर्भ में हिंदुस्तान जो बदल रहा है वो आंध्रा की भी स्थिति है, लोग दबंग नेता चाहते हैं, हालांकि उनकी छवि इतनी अच्छी नहीं है, ऐसा माना जाता है कि बहुत पैसा वाईएसआर ने कमाया जो आज जगन रेड्डी के हाथ में है, लेकिन एक पॉलिटिकल रिफ्लेक्स है, जेल से निकल के आते हैं तुरंत लोगों के बीच में जाएंगे। साफ सुथरापन इशू नहीं है, इशू ये भी नहीं है कि जगन बिल्कुल नए नए नौसिखिए थे, लेकिन चूंकि बगावत की, सीबीआई के मुकदमे लगाए, उसके बाद भी ये उभर करके आज दावेदार के रूप में खड़े हुए हैं। परंजय, आपसे सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से चलती है, मेरा बेटा तुम्हारा बेटा कुछ नहीं यही तो मुश्किल हो गया वाईएसआर के, जब वो दुर्घटना में हेलीकॉप्टर, डिमांड वैलिड थी कि नहीं, उसी समय सब लोग आश्चर्य हो गए थे। उसी दिन लोग कहते हैं सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह बैठे थे, जगन रेड्डी का कि मेरे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, शायद किसी कारण में उन लोग को यह पसंद नहीं आया। और देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा हम सब जानते हैं, इररिलेवेंट है, नहीं इररिलेवेंट नहीं है, उनको जेल के बाद भी जगन को सपोर्ट मिल रहा है, देखिए कैसा सपोर्ट मिल रहा है। वो तो नीरजा जी जैसे समझाया बिल्कुल, जैसे गाली जनार्दन ने दी, उसके साथ भी अपना जगन रेड्डी लोह आयुष गैर कानूनी रूप से अनंतपुर बिल्लारी से खनन। आप मेरे सवाल का बैकग्राउंड बता रहे हैं सर, जवाब नहीं दे रहे। विनोद जी मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा, एक थोड़ा इंटरप्ट करना चाहिए, मेरा बेटा आपका बेटा कुछ नहीं, उस पर मैं कहूंगी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट अप कर रहे हैं, 10 साल उन्होंने प्रधानमंत्री की तरफ नहीं गए, उन्होंने नहीं कहा कि 2004 में मैं एमपी बना, मैं तुरंत प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। जगन रेड्डी के बारे में ये कहा जाता था कि उनके फादर के डेथ के बाद वो तुरंत चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, थोड़ा फर्क है सिचुएशन में। आई थिंक पॉइंट ये था कि ही डेयर्स टू कंपेयर हिमसेल्फ विद राजीव गांधी, इसेंशियली राहुल गांधी विद राहुल, नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज नॉट राहुल गांधी, इट वॉज राजीव गांधी हु हैड डाइड quite a few years ago, sympathy ke aadhar, and he thought, well, you know, if this is Indira Gandhi's assassination, he could become the prime minister after my father's after my father's death in this tragic circumstances, why can't I be the chief minister? Ye sawal tha aur yahi sawal bahut baar uthaya gaya, par Congress ki taraf se iska koi jawab nahi mila. Congress aur bhi galti kiya, Rozaiya ji ko bhi zyada din nahi rakha, wo chale gaye rajyapal ban ke तमिलनाडु बनके, तो ऐसा नहीं है कि दे रिजेक्टेड जगन फॉर रोजाया जी।
बट दे आल्सो रिप्लेस्ड हिम। एक बड़ा सवाल ये उभरता है निर्जर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस पे हमारे और मेहमान भी बात करेंगे, कि जब बात हो रही थी तमिलनाडु की तो उसमें ये था कि जो प्री पोल अलायंसेज होते हैं वो एक तरह से पैंतरेबाजी होती है, पोजिशनिंग होती है, सही अलायंसेज पोस्ट पोल होते हैं। अब जगनमोहन रेड्डी चाहे एक ताकत उभर कर सामने आए, इधर वाईएसआर ताकत, ये अपना टीआरएस वाली ताकत बनकर उभर कर आए, पोस्ट पोल किसके साथ जाएंगे? जगन रेड्डी डिपेंड करेगा कि कौन पावर में आता है दिल्ली में, उसके साथ जा सकते हैं। और उनकी जो थिंकिंग, हालांकि माइनॉरिटीज उनकी वोट बेस है, क्रिश्चियंस काफी हैं वहां, तो पहले ऐसा इशारा नहीं करेंगे, लेकिन बाद में कुछ भी कर सकते हैं। और अलायंसेस तो देखिए, तमिलनाडु की अगर बात कर रहे हैं, 98 में जयललिता ने क्या एक एक आधा आधा पॉइंट वाली पार्टीज को इकट्ठा किया था, तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस कोएलिशन में तो है ही अलायंसेस। पर इस समय चुनाव के बाद ऑप्शन खुले रखेंगे, इस पर चर्चा और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं कि अगर अभी चुनाव हो तो, और हम छोटे से ब्रेक के बाद फिर चर्चा करेंगे कि आने वाले इन हफ्तों में वहां के आंध्र प्रदेश के वोटर सीट और वोट शेयर के मामले में क्या किस प्रकार का नतीजा दे सकते हैं, क्या कहता है सीएसडीएस का हमारा साथ। छोटा आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अगर अभी चुनाव हो तो। अब हम जिक्र कर रहे हैं आंध्र प्रदेश का, आज का दिन वैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के नाम, इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं आंध्र प्रदेश का। संजय, बिल्कुल, और आंध्र प्रदेश में जिस प्रकार की राजनीति चली बहुत ही धुआंधार, उसमें कांग्रेस पार्टी ने नफे का खेल खेला या नुकसान का, सारा खेल तो कांग्रेस ने खेला ये हमारा सर्वे बताता है। इस बेसिस पे वोट शेयर और सीट शेयर यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का मौजूदा 42 सीटों पर क्या हिसाब बनेगा, ये हमारे सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि आंध्र प्रदेश में अगर अभी चुनाव होते हैं, 17 से 23 फरवरी के बीच का आंकड़ा है ये, उसमें क्या परिस्थिति बनेगी, कितना वोट किस पार्टी को मिलता हुआ दिखता है। यहाँ पे वोट शेयर की बात करें, वाईएसआर कांग्रेस, जगन रेड्डी की कांग्रेस 25% वोट पा रही है, कांग्रेस 23% वोट पा रही है, टीडीपी 23% वोट पा रही है, टीआरएस 12%, 11 अन्य को, और बीजेपी को 6%। वाईएसआर यहां पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वोट शेयर के मामले में उभर रही है, कांग्रेस उसके बाद है, और टीडीपी भी बराबर के मुकाबले में है। कांटे की टक्कर होगी दूसरी नंबर की पार्टी कौन बने इसके लिए वहां पर, और टीआरएस 12% जाहिर है क्योंकि वो सिर्फ तेलंगाना में ज्यादा मौजूदगी है उसकी। आइए अब देखते हैं कि इसको सीटों में कैसे तब्दील होता हुआ हम देख सकते हैं चुनाव के नतीजों के बाद। वाईएसआर कांग्रेस को 11 से 17 सीटों का अनुमान है हमारे वोट शेयर के मुताबिक, तेलुगु देशम को 10 से 16 सीटें, कांग्रेस को 6 से 12 सीटें, टीआरएस को 6 से 12 सीटें, अन्य को 1 से 5 सीटें। इसको थोड़ा आसान कर दे दर्शकों के लिए अगर, तो आप ये माने कि 14 से 15 सीट जगन रेड्डी को मिलना हमारा सर्वे एक तरह से अनुमान लगा रहा है, टीडीपी को 13 सीट, कांग्रेस को 8 या 9 सीट, टीआरएस को भी 8 या 9 सीट, अन्य को 1 से 5 सीट। विनोद जी, इस आंकड़े को अगर देखा जाए तो यहाँ पर जगन रेड्डी के सामने कांग्रेस बहुत कमजोर है, टीडीपी दूसरे नंबर पर है, ऐसा लगता है कि कंसोलिडेशन जगन के पक्ष में और चंद्रबाबू नायडू के पक्ष में यहाँ हो रहा है। विनोद जी, जी, और यही बात हो रही थी कि जो संजय ने पहले कुछ बात कही कि मेरा बेटा तो मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा कुछ नहीं, यही अगर फैसला हो गया होता जगनमोहन रेड्डी को लेकर कांग्रेस द्वारा, तो शायद ये इस तरह की नौबत ना आती। नीरजा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस वक्त जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है आंध्र प्रदेश में, अगर तेलंगाना ना भी बनता तो भी कितना नुकसान हो जाता कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस को तो नुकसान, मैं मानती हूँ 8-10 सीटें तो वैसे तो आ ही जाती, 33 पहले थी, एक तिहाई भी हो जाता तो भी इतना तो ले ही जाती। तो जो संजय कह रहे थे ना पहले कि खेल तो ठीक खेला, लेकिन खेल कैसे खेला जाता है वो भूल गई है कांग्रेस। जी संजय, आपने सुना खेल कैसे खेला जाता है, कांग्रेस भूल गई है। बिल्कुल, आइए अब हम देखते हैं कि थोड़ा एक आंकड़ा और देख लिया जाए कि सिर्फ तेलंगाना में वोट शेयर की
क्या परिस्थिति बन सकती है। तेलंगाना पर एक नजर डालते हैं। इतना जबरदस्त आंदोलन चला, जज्बाती आंदोलन चला, दशकों पुराना आंदोलन था, लेकिन राज्यों का बंटवारा ऐसा करना चाहिए था कि इस प्रकार की बदमजगी वहां न फैलती। फिर भी जो हुआ उसके बाद अब चुनावी नतीजों पर नजर होगी, वोट शेयर के आधार पर वहां पर क्या तस्वीर बनती है। तेलंगाना की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस 32%, टीआरएस 26%, अन्य 20%, टीडीपी 11%, बीजेपी 10%। तेलंगाना में वोट शेयर इसको मिल रहा है 1% और लोगों को है। 32% का वोट शेयर कांग्रेस के लिए इस मामले में ये गेम सही बताता है कि यही तेलंगाना बनाने का मकसद था कि वो टीआरएस भी 26% क्योंकि वो भी उसके लिए बहुत लड़ रही थी। विनोद जी, ये आंकड़े हैं तेलंगाना के वोट शेयर। तो टीआर मैं आप पर आता हूं, अगर 32% कांग्रेस का वोट शेयर है तो कितनी सीटों में तब्दील होने की उम्मीद हो सकती है? मैं एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं बता सकता इसमें, पर ये 32 मेरे हिसाब से शायद पूरे आंध्र प्रदेश का है। नहीं, ये तेलंगाना का है 32%। अच्छा, तो मेरे ख्याल में तेलंगाना को अगर रखेंगे आमने अपने सामने तो 17 सीटों में से मेरे हिसाब से उनको 4 या 5 सीट मिलने चाहिए। संजय, आपने सुना 32% जो वोट शेयर है वो टीआरएस से भी ज्यादा है, 4 या 5 सीट कह रहे हैं टीआर रामचंद्रन। आगे बढ़ाइए जरा सर। बिल्कुल, आइए अब हम सीमांध्रा पर नजर डाल लें, फिर इसकी पूरी तस्वीर समझेंगे कि क्या होगा आंध्र की 42 सीटों का कुल हिसाब किताब। सीमांध्रा पर एक नजर डालते हैं। जाहिर है कि यहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी बहुत ज्यादा है और यहाँ पर जो समर्थन है वो चंद्रबाबू नायडू और जगन रेड्डी के पक्ष में है। आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार की परिस्थिति बनेगी वोट शेयर की। वाईएसआर कांग्रेस को 45% का वोट शेयर मिल रहा है सीमांध्र में, 25 सीटें हैं यहाँ पे। तेलुगु देशम को 33% का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर 16% के साथ, बीजेपी 3%, अन्य को 3%। तो विनोद जी, अगर बिग स्टोरी देखें तो वो ये है कि बीजेपी को तेलंगाना में ज्यादा वोट मिल रहे हैं, सीमांध्र में कम वोट मिल रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने बड़ा नपा तुला स्टैंड लिया था कि तेलंगाना का समर्थन करते हुए भी नजर आए, लेकिन कांग्रेस की निंदा करते हुए भी नजर आए। और इसी प्रकार यहां का कंसोलिडेशन कुल मिलाकर के वाईएसआर के पक्ष में, वाईएसआर कांग्रेस के पक्ष में और नायडू के पक्ष में है, टीडीपी के पक्ष में। ये दोनों असल लड़ाई में है। कांग्रेस यहां भी एक पराजित पार्टी के रूप में दिखती है। विनोद जी, कांग्रेस भी पराजित पार्टी के रूप में दिख रही है। साथ में नरेंद्र मोदी की जो रैली जिसमें पहली दफे टिकट लगाई गई थी या पैसे लिए गए थे, 5 रुपए थे मेरे ख्याल जो रैली थी, उसका भी ज्यादा असर होता दिख नहीं रहा है। प्रोफेसर संजय कुमार, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तेलंगाना मेरे हिसाब से तो बहुत पहले बन चुका था, आजादी से पहले बन चुका था, आप कहां तक सहमत हैं? देखिए, हमने सर्वे में कई सवाल पूछे और उन सवालों को के जो नतीजे हमने अपने दर्शकों को दिखाया, वोट का जो आंकलन है, वोट एस्टिमेट जो है वो भी हमने दिखाया, बड़ा साफ साफ दिखाई पड़ता है कि भले ही अभी राज्य का बंटवारा हुआ, लेकिन अगर आप ओपिनियंस देखें लोगों के, लोग तो बटे हुए बहुत पहले से थे। वो एक जो सवाल है कि आप तेलंगाना और सीमांध्रा के बंटवारे का, आंध्र प्रदेश के बंटवारे का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, बहुत स्पष्ट करता है कि कैसे लोग बटे हुए हैं। बिल्कुल एक तरफ एक हिस्से के लोग कहते हैं बिल्कुल इसका समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ उसका पूरा विरोध कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, भले ही ज्योग्राफिकली आज बंटवारा हुआ हो, लेकिन इसका एक्चुअली दिलों में बंटवारा तो बहुत पहले से था। जी संजय, यहाँ पर कुल जो आंकड़ा आप सामने आ गया है उसके लिए सबसे पहला एक वन लाइनर कमेंट नीरजा जी आपका। मुझे लगता है फायदा बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि अगर टीआरएस की सीटें, अगर टीडीपी की सीट, जगन रेड्डी की सीटें मान लीजिए 15-16 है और टीआरएस की सीटें, मतलब आपका ये टीडीपी की सीटें 12 हो जाती हैं, इक्का दुक्का तेलंगाना से और 10 मान लीजिए सीमांध्रा से, तो कुल मिला के ऑलमोस्ट 30 पे ये दोनों पार्टियां ले जा रही हैं, जो कि पोटेंशियल अलाइज हैं बीजेपी के एनडीए सरकार में। तो ये तो बीजेपी को बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला अलाइज के रूप में। इसमें एक सवाल उठता है, परंजय मैं चाहूंगा आपको संक्षेप में इसका जवाब दें, कि जगनमोहन रेड्डी का एक स्टैंड ये भी है कि जो भी पुराने आंध्रा को बहाल करेगा, रिस्टोर करेगा, मैं उसके साथ हूं। ये कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है पोस्ट पोल अलायंसेस में? देखिए, ये सीमांध्र में ये बड़ा फैक्टर है और सबसे बड़ा फैक्टर है कि हैदराबाद हमारी राजधानी नहीं रहेंगे, ये बहुत बड़ा है। और सीमांध्र के बहुत सारे लोग संपत्ति है आज हैदराबाद में,
आज हैदराबाद बहुत बड़ा शहर है, ये एक बात है। दूसरा चीज मैं जो नीरजा जी कहा उसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में एक ही बार 7 लोकसभा आसन लेके आए हैं और वो है 1999 में, क्योंकि उसी समय टीडीपी के साथ उनका एक गठबंधन था जो पहले हमने बताया। 1998 साल में यूनाइटेड फ्रंट से रातारात चंद्रबाबू नायडू अपना एलिजेंस स्विच किया और बाला योगी जी स्पीकर बन गए थे। और आज आप देख रहे हैं बीजेपी एक अभी भी शायद एक या दो आसन मिलने की संभावना है जी। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और अगर अभी विधानसभा चुनाव में हो, अगर अभी विधानसभा चुनाव हो तो तेलंगाना में सबसे ज्यादा 42% वोट टीआरएस को मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस 20% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर आ सकती है। इसके अलावा टीडीपी को 11%, बीजेपी को 6, वाईएसआर कांग्रेस को 2 और अन्य को 19% वोट मिलने के आसार हैं। वहीं सीमांध्र में सबसे ज्यादा 45% वोट वाईएसआर कांग्रेस को, 39% टीडीपी को और 12% कांग्रेस के खाते में जाते दिखते हैं। बीजेपी और टीआरएस को 1% और अन्य के खाते में 2% वोट मिल सकते हैं। ये हम जिक्र कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव भी होने हैं, अगर विधानसभा चुनाव हो तो। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव के बारे में विनोद जी बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है। यही इंटरेस्टिंग पक्ष रहेगा कि क्या किरण रेड्डी, लोकसभा में तो उनका कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, लेकिन किरण रेड्डी एक अलग पार्टी के रूप में होंगे, कांग्रेस होगी प्लस चंद्रबाबू नायडू होंगे प्लस जगन रेड्डी होंगे, उधर चंद्रशेखर राव की पार्टी होगी, कैसी परिस्थिति बनेगी इसके बारे में संजय जी आप कुछ कहेंगे? देखिए ये सिर्फ आंध्रा की बात नहीं, हमने कई राज्यों में देखा जिन राज्यों में या तो विधानसभा चुनाव तुरंत होने वाले हैं या 2-4-6 महीने के अंदर में, हमने देखा ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके लिए अभी भी जनाधार है, बहुत बड़ा समर्थन है राज्य में चुनाव जीतने के लिए, राज्य में अगर चुनाव हो तो लोग उनका समर्थन करने को तैयार हैं। जैसे ही लोकसभा चुनाव की बात होती है तो एक पक्ष बहुत बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ जा रहे हैं। हमें पता है ना तो कांग्रेस ना भाजपा आंध्र प्रदेश में उनकी पकड़ बहुत मजबूत नहीं है, फिर भी आप देखें कि लोगों का जो अभी रुझान है कि वो वोट किसको देंगे, विधानसभा और लोकसभा के लिए अलग अलग दिखाई पड़ता है। इस हिसाब से निश्चित रूप से जो दोनों क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा अच्छा करेंगी। और अब दो राज्य अलग बन जाने से क्लियर है कि क्षेत्रीय भावनाएं ज्यादा उभार पे होंगी, तो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कांग्रेस का गेम विधानसभा में भी बिल्कुल नहीं होगा। रामचंद्रन साहब देखिए संजय जी, मेरा मानना यह है कि साउथ काफी सालों से जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो स्टेट में जो इश्यूज हैं उसको लेकर बढ़ती है और उसके तहत वोट करती है, और जब जनरल इलेक्शंस आते हैं तो वो ज्यादातर मैंने देखा है कि नेशनल इश्यूज की तरफ अपनी तवज्जो रखते हैं। बट यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको दक्षिण से 130 सीटें हैं, कितना तक बीजेपी हासिल कर पाएगा, क्या वो 30 से थोड़ा ऊपर ले जा सकता है कि 30 तक भी वो नहीं पहुंच सकता? मेरा मानना यह है कि 25-30 भी नहीं लाएगा दक्षिण से, तो उसके ये गणित कहां से बनेगा, उसका अरिथमेटिक कहां से बनेगा, यह है प्रश्न चिन्ह। मैं एक छोटा सा चीज जोड़ना चाहता हूँ रामचंद्र जी, जो पहले नीरजा जी भी कहा, आपने कहा ना खेलना एक चीज है और खेलने का तरीका भी होता है। देखिए कांग्रेस को शिक्षा नहीं मिला, आपको याद है कि एनटीआर क्यों तो तेलुगु प्राइड तेलुगु बिड्डा के ऊपर क्यों एक बार नहीं 3 बार मुख्यमंत्री चुन के आए, क्योंकि उस समय वहां के लोग नाराजी थे कि दिल्ली में बैठ के यहां मुख्यमंत्री बदल रहे हैं और साथ और टीएन जैया की बेइज्जती की गई सरेआम। बिल्कुल ठीक, और आप देखिए वो कांग्रेस शायद शिक्षा नहीं मिला, वाईएसआर गुजर जाने के बाद एक बार रोजाइया, फिर रोजाइया के बाद आपने किरण रेड्डी को रहा और किरण रेड्डी अभी बागी बन गए। बिल्कुल, 128 साल पुरानी पार्टी अपनी रणनीति स्ट्रेटजी बनाने की जो महारत है उसको कहां भूल गई है। ब्रेक के बाद ये चर्चा करेंगे कि तेलंगाना में फैसला लेने में कांग्रेस ने देर कर दी, इसलिए ये हाल हुआ है क्या। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अगर अभी चुनाव हो तो।
इसमें हम आपको सर्वे दिखा रहे हैं जो CSDS ने हमारे लिए किया है। आज हम जिक्र कर रहे हैं इस वक्त आंध्र प्रदेश का। संजय, क्या आंध्र प्रदेश के बंटवारे के फैसले में कांग्रेस ने देर कर दी? IBN 7 के लिए किए गए सर्वे में CSDS ने जब ये सवाल पूछा तो तेलंगाना में 55% लोगों ने कहा कि हाँ, कांग्रेस ने ये कदम उठाने में काफी देर की, जबकि 14% लोग ऐसा नहीं मानते। चर्चा शुरू करें, यही सवाल नीरजा जी, चर्चा का जो आखिरी हिस्सा है उसमें कि कांग्रेस ने एक तो देर किया, अपना पूरी तरीके से एक अच्छा राज्य अपने हाथ से खोया, ऐसी परिस्थिति में अब जब नतीजे सामने आएंगे तो क्या ये एक तौर पर पक्का मान लिया जाए कि आंध्र प्रदेश के टूटने का असर पूरे देश में पड़ा है? कांग्रेस अगर आंध्र में अच्छा करती है, 42 सीटों का राज्य, तो लगता है कांग्रेस के नंबर कुछ और हैं, लेकिन यहां कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि नेशनल लेवल पर गेम से बाहर होने का जो मूल निर्णायक वाक्य लिखा गया है वो आंध्र के कारण लिखा गया है। देखिए, वो सही बात है, 4 बड़ी स्टेट्स में तो वैसे ही कांग्रेस कहीं नहीं थी, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, अब आंध्र भी उसमें जुड़ जाएगा। और अगर आप देखिए तो क्षेत्रीयकरण हुआ है आंध्र प्रदेश का। कहां तो कांग्रेस वर्सेस TDP होता था, आज अगर देखिए तो ये लड़ाई है, कांग्रेस है एक क्षेत्रीय पार्टी की तरह, TRS, YSR कांग्रेस और TDP, 4 क्षेत्रीय पार्टियों में ये स्टेट पट गया है। अभी BJP क्या करेगी यहाँ पता नहीं है, लेकिन ये एक रीजनलाइजेशन ऑफ आर पॉलिटिक्स जो है ना, उसको एक कदम और आगे ले गया है। परंजयदा, एक और खतरा पैदा हुआ है, वो ये है कि अब जयराम रमेश कह रहे हैं कि यूपी के 4 हिस्से करो, बिहार का स्पेशल स्टेटस मांगा जा रहा है, बीजेपी भी मांग रही है, नीतीश बाबू भी मांग रहे हैं, इस प्रकार की मांग जोर पकड़ेगी और आने वाले दिनों में पॉलिटिकल क्लास के सामने कुछ और राज्यों के बारे में सीरियस आंदोलन उनको फेस करना पड़ेगा छोटे राज्यों की मांग को लेकर। मैं 3-4 और नाम बता देता हूँ, गोरखालैंड, बोरोलैंड, विदर्भा, कोडागू, बुंदेलखंड, ये तो आश्चर्य होने का कोई कारण नहीं है। और मैं समझता हूं सचमुच कि अगर ये ठीक तरह राजनीतिक तरह से देखिए, जैसे, और ये मैं वाजपेयी जी को मैं तारीफ देता हूँ, मैं तारीफ करता हूँ जिस तरह से झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ सबसे आसान से बांट गया, बाकी जगह में आंदोलन हुई थी। एक कहावत है ना, इंडिया कैन सर्वाइव बाय ब्रेकिंग अप। इसमें आश्चर्य क्यों, हमारे 120 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, बेटर गवर्नेंस का इशू है, अमेरिका में 30 करोड़ लोग हैं और 50 राज्य हैं उसमें, तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है जो मैं पहले TR आपसे और आपसे सबसे मैं जानना चाहूंगा कि अगर 50 किस्म की, अभी तो 29 राज्य हैं हमारे, अगर 50 हो जाए, 60 हो जाए, 60 क्षेत्रीय आकांक्षाएं, रीजनल एस्पिरेशंस, क्या अपने आप में एक नेशनल एस्पिरेशन बनती हैं? मेरा सवाल ये, और बंटवारा होगा और छोटे होंगे, क्योंकि फिर इसमें ये तू मैं वाला सवाल और जोर से उठेगा। इसमें आप ये सब नेशनलिज्म पे अगर आके बैठ जाएंगे आप, तो मेरे ख्याल में इस देश के लिए खतरा है। इसमें सर मेरी राय थोड़ी अलग है जी। सब नेशनलिज्म इस देश की एक मूल धारा, मूल विचार, मूल मानस है। अगर हम इसको बढ़ाते हैं और ठीक से मैनेज करते हैं तो रामचंद्रन साहब जो कह रहे हैं वो खतरा नहीं होगा। ठीक से मैनेज करेंगे तो जिस भारतीय राष्ट्रीयता की हम बात करते हैं वो इन्हीं उपराष्ट्रीयताओं से मिल करके बनेगी। मैं वही जानना चाहता हूं, वही मेरा सवाल है कि क्या इज द सम टोटल ऑफ 50 डिफरेंट रीजनल एस्पिरेशंस ऑटोमेटिकली फॉर्म ए नेशनल एस्पिरेशन? नो, बट इफ इट्स मैनेज्ड प्रॉपर्ली, यस, नॉट मैनेज्ड प्रॉपर्ली इज स्टिल वेग। आई मीन, आई जस्ट वांट टू, थियरी में ये हो सकता है, एज एन आइडिया, एज ए प्रिंसिपल बहुत अपीलिंग है, ये हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस में इसमें बहुत स्टेट्समैन लाइक लीडर्स की जरूरत होगी और कंपेटिटिव पॉलिटिक्स। आप देख लीजिए झारखंड, गोवा जैसे प्रदेशों में कितनी जल्दी सरकारें बदलती हैं कंपेटिटिव पॉलिटिक्स की वजह से। निर्जा जी, वक्त की कमी है इसलिए परंजय दा और संजय जी को मौका नहीं मिल पाएगा इसके पहले कि विनोद जी अपना पार्टिंग शॉट लगाएं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश वो राज्य है जहां पर की जगन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू, चंद्रशेखर राव, ये 3 पॉसिबल सहयोगी उपलब्ध होंगे जो किसी एक पार्टी के साथ, एक नहीं बल्कि 2 लोग आप किसी जो भी सरकार बनेगी दिल्ली में उसके साथ हो सकते हैं। विनोद जी, जी कल रात 8 बजे एक बार फिर हम हाजिर होंगे इसी सवाल के जवाब के साथ कि अगर अभी चुनाव हो तो बिहार में क्या होगा, लालू का, नीतीश कुमार का क्या होगा और मोदी की हवा कहां तक पहुंची है, यूपी में किस तरह की तस्वीर उभरेगी अगर अभी चुनाव हो तो। साथ ही में ये सवाल भी उठता है कि जो राष्ट्र राज्य की परिकल्पना है नेशन स्टेट की, क्या इन चुनावों का असर उस पर भी पड़ेगा। हमारा मार्च के महीने का ये था इलेक्शन ट्रैकर, फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।